सो हाय गाइस, दिस इज करण। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएमडी की ओर से उनके नए फोर्थ जनरेशन राइजन डेस्कटॉप एपीयूज के बारे में। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एएमडी अपने फोर्थ जनरेशन के राइजन डेस्कटॉप प्रोसेसर्स का एक लाइनअप लॉन्च कर चुका है, जो है एएमडी के फोर्थ जनरेशन के राइजन एपीयूज। अब एपीयूज वो प्रोसेसर्स होते हैं जिसके अंदर आपको सीपीयू के साथ ही उसमें आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिल जाता है। अब एएमडी के एपीयूज एक ही बात के लिए फेमस है कि वो बिना डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड का यूज करे आपको अच्छी खासी गेमिंग कराने के कैपेबल होते हैं। इस बार के जो एएमडी के फोर्थ जनरेशन के एपीयूज है उनके आर्किटेक्चर की बात करें तो ये एपीयूज आते हैं 7 नैनोमीटर के Zen 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड। यही सेम आर्किटेक्चर आपको राइजन के थर्ड जनरेशन के सीपीयूज में देखने को मिला था। तो एक तरह से ये एएमडी राइजन के थर्ड जनरेशन सीपीयूज हैं इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ। तो इस बार एएमडी ने अपने हर एपीयूज के तीन तीन वर्जन निकाले हैं। एक है जी वेरिएंट जो सिंपल वाला वेरिएंट है, और दूसरा है जीई वेरिएंट जो पावर एफिशिएंट वेरिएंट है। जी वेरिएंट के एपीयूज में आपको 65 वॉट की टीडीपी देखने को मिलती है, और वहीं अगर हम बात करें जीई वेरिएंट के एपीयूज की तो उसमें आपको 35 वॉट की टीडीपी देखने को मिल जाती है। और जो तीसरा वाला है वो है जी प्रो वेरिएंट। जो जी प्रो वेरिएंट है ये आपका प्रोफेशनल्स के लिए है, जैसे बिजनेस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन हो गई उनके लिए है ये जी प्रो वेरिएंट, ये आपके नॉर्मल कंज्यूमर्स के लिए नहीं है। और इस बार एएमडी खाली राइजन 5 तक नहीं रुका, इस बार एएमडी ने राइजन 7 का भी एपीयू निकाल दिया है। तो हम उन्हीं सारे एपीयूज के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं राइजन 3 से। इसमें आपको 4 कोर और 8 थ्रेड्स वाला एपीयू देखने को मिलता है। इसके भी आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहला है 4300G जिसमें आपको 3.8 GHz की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है, और 4 GHz की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। राइजन 3 4300G में आपको वेगा 6 वाले इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको 1700 MHz की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। इस एपीयू की पावर कंजप्शन की बात करें तो ये एपीयू आता है 65 वॉट की टीडीपी के साथ, और इस वाले एपीयू की प्राइस की बात करें तो ये आपको $139 के देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स। और जो राइजन 3 का दूसरा वाला वेरियंट है वो है राइजन 3 4350G प्रो। इस एपीयू में भी आपको सेम वेगा 6 इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने को मिल जाते हैं, और इस एपीयू की टीडीपी की बात करें तो ये आता है 65 वॉट की टीडीपी के साथ, और इस वाले एपीयू की प्राइस की बात करें तो ये एपीयू आपको $149 का देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स। और इसका जो तीसरा वाला वेरिएंट है वो है राइजन 3 4350GE प्रो। इसकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें आपको 3.5 GHz की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है, और बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें आपको 4 GHz की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको सेम वेगा 6 इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने को मिल जाता है, और इसकी टीडीपी की बात करें तो ये आता है 35 वॉट की टीडीपी के साथ, और इस वाले एपीयू की प्राइस की बात करें तो ये आपको $149 का देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स। अब आते हैं राइजन 5 के एपीयू की ओर। इस एपीयू में आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, और ये एपीयू आता है वेगा 7 ग्राफिक्स के साथ, जिसमें आपको 1900 MHz की फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। राइजन 5 के भी इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। पहला है 4600G, इसकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये आता है 3.7 GHz की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ, और इसकी बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये आता है 4.2 GHz की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी के साथ, और ये प्रोसेसर आता है 65 वॉट की टीडीपी के साथ, और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको $199 का देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स। अब राइजन 5 के दूसरे वेरिएंट की बात करें जो है 4650G प्रो। इसकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें भी आपको सेम 3.7 GHz की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है, पर इसकी बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें आपको 4.3 GHz की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। ये एपीयू भी आपको 65 वॉट की टीडीपी के साथ देखने को मिल जाता है, और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको $209 का देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स। अब इसके तीसरे वेरिएंट की बात करें जो है राइजन 5 4650GE प्रो। इसमें आपको 3.3 GHz की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है, और बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें आपको 4.25 GHz की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाती है। अब इस एपीयू की टीडीपी की बात करें तो ये एक पावर एफिशिएंट वाला एपीयू है, तो इसमें आपको 35 वॉट की टीडीपी देखने को मिल जाती है। अब इस वाले एपीयू की प्राइस की बात करें तो ये आपको $209 का देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स। तो चलते हैं इस बार के सबसे इंटरेस्टिंग राइजन एपीयू की तरफ, जो है राइजन 7 वाला एपीयू। राइजन 7 के एपीयू में आपको 8 कोर्स और 16 थ्रेड देखने को मिलेंगे। इसके इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स की बात करें तो इसमें आपको वेगा 8 वाला इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने को मिलेगा, जिसमें आपको 2100 MHz की फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। इसके भी आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। एक है राइजन 7 4700G, जिसमें आपको 3.6 GHz की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, और इसमें आपको 4.45 GHz की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। इस एपीयू की टीडीपी की बात करें तो इसमें आपको 65 वॉट की टीडीपी देखने को मिल जाएगी, और इस वाले एपीयू की प्राइस की बात करें तो ये आपको $299 का देखने को मिल जाएगा अप्रॉक्स। अब इसके सेकंड वेरिएंट की बात करें जो है राइजन 7 4750G प्रो। इसमें भी आपको सेम 3.6 GHz की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, और इसकी बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें आपको 4.45 GHz की सेम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी, और इसमें भी आपको 65 वॉट की टीडीपी देखने को मिल जाएगी, और इसके प्राइस की बात करें तो ये आपको $309 का देखने को मिलेगा अप्रॉक्स। अब इसके थर्ड वेरिएंट की बात करें जो है 4750GE प्रो। इसकी बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें आपको 3.1 GHz की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी,
और बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसमें आपको 4.35 गीगाहर्ट्ज़ की बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी देखने को मिल जाएगी। तो ये एक पावर एफिशिएंट वेरिएंट वाला एपीयू है। तो इसकी टीडीपी की बात करें तो ये एपीयू आएगा 35 वॉट की टीडीपी के साथ। अब इस एपीयू की प्राइस की बात करें तो ये एपीयू आपको $309 का देखने को मिलेगा अप्रॉक्स। तो ये तो थे AMD के फोर्थ जनरेशन के Ryzen डेस्कटॉप APUs। पर AMD ने Ryzen के फोर्थ जनरेशन APUs के साथ ही Athlon के भी तीन और APUs लॉन्च किए हैं। पहला है Athlon Gold 3150G जिसमें आपको 4 कोर्स और 4 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। दूसरा है Athlon Gold 3150GE, ये एक पावर एफिशिएंट वेरिएंट है, इसमें भी आपको 4 कोर्स और 4 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। और तीसरा है Athlon का सिल्वर 3050G, इसमें आपको 2 कोर्स और 4 थ्रेड्स देखने को मिलेंगे। तो ये तो थे AMD के फोर्थ जनरेशन के सारे APUs जो AMD लॉन्च कर चुका है। लेकिन उसके साथ एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर ये है कि ये APUs मार्केट में नहीं आएंगे। इन APUs को हम और आप जैसे कस्टमर खरीद नहीं पाएंगे अपने बिल्ड के लिए, लेकिन फिर भी ये APUs हमको मिलेंगे प्री बिल्ड PCs में, क्योंकि इस बार के जो AMD के APUs हैं ये खाली प्री बिल्ड PCs के लिए बने हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनी है जैसे Asus, Dell, HP, इनके जो प्री बिल्ड PCs आते हैं उनमें ये APUs आपको देखने को मिलेंगे। आप खुद ये APUs नहीं खरीद पाएंगे मार्केट से और अपना एक कस्टम PC नहीं बना पाएंगे। तो एक तरह से हम ये APU खरीद भी पाएंगे नहीं भी खरीद पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि Ryzen के फोर्थ जनरेशन के डेस्कटॉप CPUs हमको नहीं मिलेंगे, वो हमको मिलेंगे। जो AMD के फोर्थ जनरेशन के Ryzen डेस्कटॉप CPUs होंगे उनको आप आराम से खरीद पाएंगे मार्केट से, लेकिन ये जो APUs हैं उनको आप नहीं खरीद पाएंगे। पता नहीं AMD ने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं पता, लेकिन फ्यूचर किसने देखा है, क्या पता ये APUs भी मार्केट में बिकने लग जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा अच्छी लग गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन बाय।